क्या हुआ जब वृंदावन जाते समय 5 साल के बच्चे की जान बचाने चले आए खुद बांके बिहारी। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन ऐसा चमत्कार देखकर लोगों के होश उड़ गए। दोस्तों, अगर कोई सच्चे मन से श्री कृष्ण को याद करे तो वो खुद दौड़े चले आते हैं। ऐसी ही एक घटना हुई थी यूपी के रहने वाले गोविंद लाल और उनकी पत्नी के साथ। दोस्तों, इस घटना के अंत में बांके बिहारी का ऐसा चमत्कार हुआ जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले आप भी सच्चे मन से कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, गोविंद लाल और उनकी पत्नी श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। गोविंद लाल का 5 साल का बेटा है। गोविंद लाल की फलों और सब्जियों की दुकान है और उसी से उनके परिवार का पालन पोषण अच्छे से हो जाता है। वैसे तो गोविंद लाल प्रतिदिन बांके बिहारी लाल की पूजा करते हैं, लेकिन इस बार जन्माष्टमी के दिन दोनों ने निर्णय लिया कि वो वृंदावन जाकर वहां पर बांके बिहारी लाल के दर्शन करेंगे। जन्माष्टमी का दिन आ गया। गोविंद लाल अपनी पत्नी और 5 साल के बेटे के साथ पास के ही रेलवे स्टेशन पर निकल गया। गोविंद लाल ने जल्दी जल्दी 2 सामान्य श्रेणी की टिकट ली। कुछ ही देर में ट्रेन आने वाली थी। जन्माष्टमी का दिन था इसलिए भीड़ थोड़ी ज्यादा थी। ट्रेन स्टेशन पर आ गई और अचानक से सारी भीड़ ट्रेन के अंदर जाने लगी। गोविंद लाल के पास एक बच्चा था इसलिए उसे संभल कर ट्रेन में चढ़ना था। इतनी देर में ट्रेन चलना शुरू हो जाती है लेकिन वो और उसका परिवार नहीं चढ़ पाते। तभी बगल के उच्च श्रेणी के डिब्बे में वो सभी जैसे तैसे चढ़ जाते हैं। कुछ देर में जब टीसी आता है तो वो देखता है कि उसकी सामान्य श्रेणी की टिकट थी। तभी वो टीसी उनको चालान भरने के लिए बोलता है लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं थे। गोविंद लाल ने सारी बात बताई कि ज्यादा भीड़ होने की वजह से वो सामान्य श्रेणी में नहीं चढ़ पाए, लेकिन टीसी कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं था। आगे स्टेशन आते ही टीसी ने गोविंद लाल और उनके परिवार को वहीं उतार दिया। सामान्य श्रेणी में भीड़ इतनी थी कि वो सब उसमें जा नहीं पाए। वो सभी अगली ट्रेन का इंतजार कर रहे थे तभी उनका 5 साल का छोटा बेटा खेलते हुए पटरियों पर जा गिरता है। गोविंद लाल पानी लेने के लिए स्टेशन के बाहर गया हुआ था। तभी उसकी पत्नी ने देखा कि उसका बेटा पटरियों पर गिर गया है। देखती है तो कुछ दूर पर ट्रेन भी आती हुई दिखाई देती है। उसकी पत्नी बांके बिहारी लाल से प्रार्थना करने लगती है कि मेरे बच्चे को बचा लो। तभी देखते देखते वहां पर 16 साल का लड़का भागते हुए आता है और उसके बेटे को पटरियों से हटा लेता है। उस लड़के ने उसके बेटे को वापस दे दिया। गोविंद लाल की पत्नी बच्चे को पाकर रोने लगी। तभी वहां पर गोविंद लाल आ गया और उसे इस घटना के बारे में पता चला। गोविंद लाल ने देखा तो उस लड़के के हाथ में एक बांसुरी थी। तभी गोविंद ने पूछा कि तुम कौन हो। तब उस 16 साल के लड़के ने जवाब दिया कि मैं इसी गांव में रहता हूं, अभी गाय चराने आया हुआ हूं। अब मैं चलता हूं, मेरी गैया मेरा इंतजार कर रही है। ये बोलकर वो वहां से चला गया। गोविंद उस लड़के को देखता रहा और थोड़ा आगे जाकर वो अदृश्य हो गया। गोविंद समझ गया था कि साक्षात श्री कृष्ण ही उसके बच्चे की जान बचाने आए थे। उसके बाद वो सभी खुशी खुशी मन से वृंदावन दर्शन के लिए चले जाते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्णा।